बात यूके की करें तो यूके अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्री की पिक्चर बनाए रहता था पहले स्टूडेंट्स के माइंड में कि यूके अप्लाई करेंगे तो बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ से आएगा ही आएगा। हालांकि जब से स्पाउस वीज़ा को लेकर रूल्स अपडेट हो गए कि अब स्पाउस वीज़ा को अप्लाई नहीं करवाया जा सकता साथ में, तब से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ज़रूर हुआ है, क्योंकि हम अगर फिगर्स को देखें फाइलिंग को लेकर तो थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। पर एक अच्छी ऑप्शन आज भी है, यूके का स्टडी वीजा। इसी पर हम बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और डिटेल में ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। पहले मैम ये तो ज़रूर बताइए कि हम पिछले कुछ समय में देखें तो यूके एक बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर बनाए रखी थी उसने अपनी, लेकिन जैसे ही डिसीज़न आता है, नया रूल आता है कि अब स्पाउस वीज़ा को साथ फाइल जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता, स्पाउस वीज़ा पर कोई भी जो स्पाउस है साथ नहीं जा सकेगा, उसके बाद इंटरेस्ट कम होना, कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा बन जाता है कि एक ऐसी कंट्री जो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रही है साथ ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रही है, बावजूद इसके स्पाउस वीजा का बंद हो जाना या रूल अपडेट हो जाना, आखिर क्यों स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कम कर रहा है? देखो हरजोत, एक मार्केट में बहुत इमीडिएट आ जाता है कि स्पाउस को अब नहीं देंगे वीज़ा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर आप कोर्स अच्छा ले रहे हो, आप मास्टर बाय रिसर्च ले लो जिसमें कि स्पाउस साथ में जा सकता है जी। अगर स्पाउस वीज़ा के साथ ही जाना है, और अगर आपने अकेले जाना है तो यूके तो हमेशा ही ऑलवेज ओपन, आप एमओआई बेस पे जा सकते हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, जिसमें कि आपने आइल्स ना भी किया हो, डजेंट मैटर। और अगर आपने +2 CBSE से किया हुआ है और इंग्लिश में आपके 70% हैं तो भी आप विदाउट आइल्स यूके जा सकते हो। कोई यूनिवर्सिटी 70 मांगेगी, कोई 75 मांग सकती है, तो ये तो बहुत इजी ऑप्शन हो गया कि विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हो, कम से कम फीस भी में भी जा सकते हो। मतलब फीस इतनी कम कि जस्ट 10,000 pounds, मीन्स 10 लाख फीस साल की, और मास्टर्स जस्ट 1 ईयर की है। एक साल की मास्टर्स 10 लाख में आप यूके जैसी कंट्री का जो है एक्सपोजर लेते हो, जिसमें कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपका 2 ईयर्स का है, पार्ट टाइम वर्क जो करते हो आप पढ़ने के साथ 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउड है। तो आप जो पढ़ने जा रहे हो, आपको 4 साल का गैप है, कोई कंट्री ले नहीं रही है, आपके सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही, तब कोई दूसरी कंट्री नहीं ले रही है, यूके को वो कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आपका जस्टिफाई करना पड़ेगा आप 4 साल क्यों खाली रहे, लेकिन ये नहीं कि वो इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट है। फंड्स 28 डेज ओल्ड, वो भी नहीं कि 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट या कोई सोर्स दो, 6 महीने पुरानी स्टेटमेंट दो, वो भी कुछ नहीं है। फीस खाली 6 मंथ की करा के आप अपनी कैश लेटर ले सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो है जस्ट 4,000 pound पे करा के अपनी कैश लेटर ले सकते हो। अगर बच्चा जो है पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी और बोर्ड का है, तो वो स्टेट बोर्ड में भी अगर उसके इंग्लिश में 70% आए हैं तो बच्चा विदाउट आइल्स यूके जा सकता है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है। तो आप देखिए, 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, फंड्स जस्ट 28 डेज ओल्ड शो करने हैं, तो व्हाट एल्स यू आर लुकिंग? आपको ओवरऑल ग्रोथ कितनी मिल रही है, कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ, कितनी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, जिनके साथ आप कल्चर एक्सचेंज कर रहे हो, जिनके साथ आप सीख रहे हो। फिर अगर आप कोर्स अच्छा कर रहे हो, आपके इमीडिएट कंपनीज़ में जब जॉब मिलती हैं तो आपका वर्क परमिट हो जाता है, 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट तो आपको मिल ही रहा है। और अगर आप मास्टर बाय रिसर्च में जाते हो तो स्पाउस को आप साथ में लेके जा सकते हो। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है।
जी बिल्कुल, तो हमेशा की तरह जो है यूके आपको ढेर सारी ऑप्शंस, अच्छी ऑप्शंस ज़रूर देता है कि आप आएँ वहाँ पर स्टडी करें अपने फ्यूचर के लिए, और अच्छी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स जो है ज़रूर इन अच्छी ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैम, इनटेक के बारे में भी थोड़ा अपडेट ज़रूर दीजिए, अब किस इनटेक के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? मास्टर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मे इनटेक दिया, अदरवाइज फिर सेप्टेम्बर इनटेक है, लेकिन अभी मे इनटेक ओपन है तो स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेड के लिए तो अब ज़्यादातर जो चॉइस है वो हमें सेप्टेम्बर मिलनी है, मे के लिए बहुत कम चॉइस मिलेगी। अंडर ग्रेड के लिए यूके वीआई आईएलटीएस या पीटी कर लें, क्योंकि पीटी का स्कोर हायर साइड चाहिए होता है, तो हम लोग यूके वीआई पीटी करते हैं, वो काफ़ी कम में भी एक्सेप्ट हो जाता है, इवन 44 में भी एक्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट्स का। जी चलिए ठीक है, तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, आप इस सारी इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अच्छी ऑप्शंस चूज़ कर सकें, और कोई सवाल है तो जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है उस पर कॉल करके भी आप और जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैम, आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने यूके को लेकर, स्पाउस वीज़ा को लेकर भी जो है स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल थे क्लैरिटी दी है कि कैसे अभी भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, किन ऑप्शंस के साथ अप्लाई किया जा सकता है, और इनटेक्स के बारे में भी अपडेट आपने दिया है। तो आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। थैंक यू।